हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो जब भी आपने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सुना होगा तो पता लगा होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स की वैल्यूज में उतार चढ़ाव आने से क्या क्या होता है और भारतीय इकोनॉमी पर इसके क्या इफेक्ट आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी बाजार क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी का भारतीय इकोनॉमी पर क्या क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी शेयर बाजार क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सेंसेक्स और निफ्टी ऐसे नंबर या फिर ऐसी संख्या या वैल्यू होती है जो शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाती है। इसी वैल्यू को हम सेंसेक्स या निफ्टी कहते हैं। अगर बढ़ने या घटने से इसके यह पता चलता है कि देश की कंपनियों को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ डिस्कस होता है और अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ कि सेंसेक्स क्या है। तो सेंसेक्स को समझते हैं। सेंसेक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। तो सेंसिटिव इंडेक्स, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1986 में। सेंसेक्स में 30 कंपनियों की शेयर के मूल्यों को उतार चढ़ाव को देखा जाता है। ये कंपनियां मार्केट साइज के हिसाब से बहुत बड़ी, अच्छी ब्रांड वैल्यू और आर्थिक रूप से मजबूत होती है। सेंसेक्स की घटते और बढ़ते क्रम से देश की बड़ी कंपनियों के शेयर बाजार का भी पता लगाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा सेंसेक्स, जो कि BSE टॉप 30 कंपनीज को इंक्लूड करता है। अब हम जानते हैं कि निफ्टी क्या होता है। तो निफ्टी क्या है? निफ्टी दो शब्दों से मिलकर बना है, नेशनल प्लस 50। अब आप सोच रहे होंगे कि 50 शब्द कहाँ से लिया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि निफ्टी के साथ 50 इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत की टॉप 50 कंपनी को इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। सेंसेक्स को हम BSE बोलते हैं, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और वहीं दूसरी तरफ हम NSE को निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आप सोच रहे होंगे कि हमेशा NSE में टॉप 50 कंपनीज कैसे आ सकती है और हमेशा BSE में टॉप 30 कंपनीज कैसे आ सकती है। अगर इन 30 कंपनियों में से किसी कंपनी में गिरावट आ जाती है तो इसे टॉप 30 कंपनी से बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह दूसरी किसी टॉप 30 में आने वाली कंपनी को इंक्लूड कर दिया जाता है। और इसी प्रकार निफ्टी 50 में भी 50 कंपनियों को ही इंक्लूड किया जाता है और कंपनियों को उनकी ग्रोथ और वैल्यूएशन के आधार पर टॉप 50 में नियुक्ति भी दी जाती है, शामिल भी किया जाता है और बाहर भी कर दिया जाता है। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत की इकोनॉमी मोस्टली इन 50 कंपनियों के आधार पर ही चलती है। तो आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि फिलहाल ही में हुई गौतम अडानी के साथ ट्रेजेडी, जो कि हिडनबर्ग रिपोर्ट के द्वारा हुई और इनको बहुत सारा लॉस हुआ, तो कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 50-60% तक गिर चुकी है और इन्हें 10 लाख करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। तो क्या इससे भारत की इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भारत की इकोनॉमी पर अगर आप देखें तो निफ्टी 1% डाउन हो चुका है पहले की तुलना में, पर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जब एक कंपनी में गिरावट आती है तो भारत की इकोनॉमी को संभालने के लिए दूसरी कंपनी खड़ी होती है टॉप 50 के पीछे, तो वो उसे ओवरटेक करके भारत की इकोनॉमी को संभालती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स दिखाई कैसे देते हैं। तो निफ्टी और सेंसेक्स को देखने के लिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर रहा हूँ। निफ्टी और सेंसेक्स को देखने के लिए मैं अपना स्टॉक्स अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। इसे ओपन करने के बाद मेरे सामने एक इंटरफेस है और मुझे उस पर ऊपर निफ्टी और सेंसेक्स का ऑप्शन दिख रहा है। इसमें हमें वैल्यूज दिखाई दे रही है जो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टॉप 50 की प्राइस बता रहा है और सेंसेक्स BSE हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस को बता रहा है। तो इस टाइम पर निफ्टी की वैल्यू 17,800 के अराउंड चल रही है और वहीं पर सेंसेक्स की वैल्यू 60,500 के अराउंड चल रही है। तो यह वैल्यूज मेरे वीडियो बनाते टाइम की है, तो आप जब भी चेक करें तो आपको कुछ माइनर डिफरेंसेस इनमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स से बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी इससे पैसा कमा सकते हैं। इंडिया की लगभग 3% आबादी ही स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़े हुए रिलेटेड वीडियोस को देखती है और इन्हें अप्लाई भी करती है और इससे बहुत सारा प्रॉफिट बना भी रहे हैं। तो
तो आप भी अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एक्सपेंड कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन की वीडियोस को देखते रहिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।